हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोल कंसेप्ट। तो बच्चों, मोल कंसेप्ट होता क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं बेटा। हमने मोल कंसेप्ट पार्ट फोर में हमने न्यूमेरिकल को प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। बच्चों, ये मोल कंसेप्ट पार्ट फाइव है बेटा, हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर वन हम लेके चलते हैं बेटा, प्रॉब्लम नंबर वन क्या है बेटा, हम ये आप डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन वन एटम। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, how many gram atoms are there in one atom, यानी कितने होंगे one atom, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम एटम्स, कितने ग्राम एटम्स वन एटम में होंगे। तो बच्चों, वन एटम में कितने ग्राम्स एटम में होंगे, हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन वन एटम। तो बेटा, हम इसे सॉल्व करेंगे तो सीधे हम यहाँ पर यूज करेंगे कि 6.023 × 10³³ एटम्स, क्या है ये एटम्स, कितने हैं वन ग्राम एटम के, कितने हैं बच्चों ये वन ग्राम एटम्स के, ये हैं। ये कितना होता है बच्चों, ये होता है वन मोल, किसके होता है ये वन मोल के, ठीक है। तो हम वन एटम कितना लेंगे बेटा यहाँ पे, तो बच्चों वन एटम हम यहाँ पे लेंगे, ये हो जाएगा आपका वन अपॉन होगा बच्चों 6.023 × 10³³ के। तो ये बच्चों हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम एटम कह सकते हैं, या और हम इसे मोल बच्चों कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर हुआ कि हाउ मेनी ग्राम एटम्स, ये कह रहा है क्वेश्चन हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन वन एटम, वन एटम में कितने ग्राम होंगे। तो सीधे सीधे हमने निकाल लिया कि वन ग्राम एटम में या वन मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.023 × 10³³ एटम्स बेटा होते हैं। तो वन एटम में कितने होंगे, तो वन एटम सीधे वन अपान क्या हो जाएगा 6.023 × 10³³, ये आ जाएगा बच्चों 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम एटम आर मोल, राइट। अब बच्चों, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में बेटा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर टू में हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम नंबर टू क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ये बच्चों बोल रहा है कि ये कर रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है बच्चों ए है 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है बच्चों 3.01 × 10²² मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है बच्चों सी 1.12 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है बेटा। बच्चों तो बच्चों, हम चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो क्या कर रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें नंबर ऑफ मोल्स बच्चों क्या करने हैं, निकालने हैं। इसमें 11 ग्राम ऑफ CO2 में, फिर 3.01 × 10²² मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, फिर बच्चों यहाँ 1.12 लीटर ऑफ CO2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में। चलिए बच्चों, हम ए को सॉल्व करते हैं 11 ग्राम ऑफ CO2 में।
तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है, CO2 का कितना होता है बच्चों, ये होता है 12 और प्लस 2 एटम बच्चों, 2 × 16, तो ये बच्चों हो गया 12 प्लस 2 हो गया 32, ये हो गया बेटा 44 ग्राम के, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं बच्चों कि 44 ग्राम आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितने के हैं, ये बच्चों है 1 मोल के, कितने के बेटा ये 1 मोल के, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ये कितने के हैं 1 मोल के। तो 11 ग्राम हम कहेंगे यहाँ पे, क्या कहेंगे बच्चों, 11 ग्राम आप CO2, 11 ग्राम आप CO2 इज इक्वल टू ये होता है बच्चों 1/5 होता है बेटा 44 इंटू होता है बच्चों 11 के, तो ये बेटा हो गया ये 1, ये बेटा होता है 4, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/4, ये हो जाएगा 0.25, किसके हो जाएगा बच्चों, ये मोल के हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमें किसका निकाला बच्चों, हमने निकाल लिया इसका कि 11 ग्राम CO2 में कितना होगा, तो पहले हमने मोलर मास निकाल लिया इसका, ठीक है ना, मोलर यहाँ निकाला बेटा। फिर निकालने के बाद बेटा हम क्या कहें, 44 ग्राम CO2 कितने के होता है 1 मोल के होगा, तो 11 ग्राम आप कार्बन डाइऑक्साइड कितने को होता है 1/44 × 11 1/4, तो 0.25 मोल आएगा, ठीक है बेटा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, ए तो हो गया, अब बेटा हम बी की बात करते हैं। बी क्या कर रहा है, इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कितने, 3.01 × 10²² मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में। चलिए बच्चे इसमें निकालते हैं बेटा, ये प्रॉब्लम नंबर बी है। बी क्या कहेंगे कि अगर जो ये 1 मोल कितने के होता है, यानी 6.023 × 10³ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं कितने के, 1 मोल के, कितने के होते हैं बच्चों 1 मोल के, राइट। तो बच्चों हम कह रहे हैं अगर ये हमने क्या कहते हैं बच्चों, ये 1 मोल के होते हैं। इसके बाद बच्चों हम यहाँ लेते हैं 3.01 × 10²² मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो गए आपके, ये भी बच्चों क्या हो गए, ये यहाँ हो गए बेटा 1 मोल के। तो 3.0 मॉलिक्यूल्स ये कितने के हो जाएंगे, 3.01 × 10²² ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे बच्चों कितने के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 × 3.01 × 10²² आपान ये हो जाएगा 6.023 × 10²³ के, ये हो जाएगा बेटा हम यहाँ पे कहेंगे 0.05 मोल के, ठीक है, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं बच्चों सी की बात करते हैं। सी क्या कहता है, सी कह रहा है कि 1.12 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो चलिए बच्चों हम सी की बात करते हैं बच्चों, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि 22.4 लीटर जो होता है बेटा, 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2 इज इक्वल टू कितने के होता है, ये होता है बच्चों 1 मोल के होता है, ठीक है बेटा, ये 1 मोल के होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1.12 लीटर ऑफ CO2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 1 × 1.12 / 22.4, ये हो जाएगा बेटा, यहाँ कुछ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05, ये बेटा है बच्चों मोल, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर बेटा 3 की बात करते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि फ्रॉम, ये कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, 200 आपका ये मिलीग्राम दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10²² मॉलिक्यूल्स आर क्या हो रहे हैं, इसमें से रिमूव्ड हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आर क्या हो रहे हैं बच्चों, रिमूव्ड हो रहे हैं। हाउ मेनी ग्राम्स हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि हाउ
many grams and moles of CO2 are left. CO2 are क्या होते हैं left. तो बच्चों हम यहाँ पे ये कहेंगे कि 6.023 into 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कितने के है ये 44 ग्राम के. ठीक है बेटा. तो ये बच्चों कह सकते हैं कि 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितने के हो जाएंगे. ये हो जाएंगे बच्चों 44 इंटू 10 के पावर 21 अपान बेटा हम कहेंगे 6.023 इंटू 10 के पावर 23 के. तो ये बेटा हो जाएंगे आपके 7.31 इंटू 10 के पावर माइनस 2. तो ये बच्चों हो जाएगा 73.1 मिलीग्राम. या बच्चों हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ लेफ्ट हो रहा है यहाँ पे बच्चों CO2 क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे ये हम कह सकते हैं लेफ्ट हो रहा है कितना. तो ये 200 बेटा दिया हुआ है मिलीग्राम और कितना उसमें से लेफ्ट हो रहा है कितना निकल 73.1 ग्राम के. तो कितना आ गया 126.9 मिलीग्राम के. अब बच्चों आल्सो मोल्स आप हम निकाल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड. तो आल्सो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के या नंबर मोल्स ऑफ CO2 के. ठीक है. तो कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा वेट. ये बेटा हो जाएगा वेट. ये हो गया वेट अपान हो जाएगा क्या होगा बच्चों मॉलिक्यूलर वेट. ये क्या हो जाएगा बच्चों ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया बेटा. तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया तो ये कितना हो जाएगा 126.9 इंटू 10 का पावर माइनस 3 अपान 44. तो बेटा ये आंसर कुछ आ जाएगा 2.88 10 के पावर माइनस 3. ये आपका लगभग आंसर है. ठीक है बच्चों. तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर बेटा 3 हुआ. अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ये क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी. इसकी डेंसिटी है बेटा ऑफ जो वाटर है H2O की वो हो जाएगी बच्चों 1 ग्राम ये मीटर क्यूब के. ठीक है. यानी हम ये कह सकते हैं 1 मोल ऑफ H2O हम क्या कहेंगे बच्चों 1 मोल आप हम क्या करेंगे बच्चों H2O लेंगे वाटर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये 18 ग्राम के होगा. 18 ग्राम कह सकते हैं या हम कहते हैं 80 ये से क्यों के हो गया. तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है बेटा ये 1 ग्राम ये क्यों के हो गया. अब हम कह सकते हैं कि 6.022 गुणे 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ये हो जाएगा बच्चों 1 मिनट ये हो गया बेटा MOLE मॉलिक्यूल्स ऑफ हो गया बेटा H2O. ठीक है. देयरफोर हम यहाँ पे कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वन मोल H2O
वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, बच्चों ऑफ H2O कितना होगा, ऑफ H2O, ये ऑफ है, ठीक है, इसको अच्छे से बना देता हूँ, ऑफ H2O, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18 upon 6.02 to 10³ क्यों के, या हम कह सकते हैं 2.989 × 10⁻²³ क्यों के, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बेटा ये क्या हो गया बेटा आपका, ये यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, राइट। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बेटा ये है 5, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5, जो 4 तो ये था ना, 5 क्या कर रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन, क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन है बच्चों C6H6, आर देयर इन वन लीटर, आर देयर इन वन लीटर, देयर इन वन लीटर, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन होंगे, आर देयर इन वन लीटर ऑफ बेंजीन, यानी वन लीटर बेंजीन में कितने मॉलिक्यूल्स आपके होंगे बेंजीन, राइट। तो चलिए बच्चों इसे करना है, अब यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बेंजीन जो दिया हुआ है, ये आपका ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपका ये दिया हुआ है ऑफ बेंजीन, क्या है ये ऑफ बेंजीन, ये कितना है बच्चों, इज 0.88 दिया हुआ है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं बच्चों, यहाँ पे सॉल्व बेटा करते हैं यहाँ पे, तो हमने लिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, सबसे पहले लेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, क्या लेंगे, मास ऑफ बच्चों हम यहाँ पे लेंगे बेंजीन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, यानी हो गया ये C6, ये बच्चों के S6, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई 6 एटम है तो 12 × 6 कर लेंगे, प्लस 1 × 6 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 72, प्लस ये आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा बच्चों 78 ग्राम, तो कितना हो गया इसका मास बेंजीन का 78 ग्राम। अब बच्चों हम यहाँ पे ये कहते हैं कि मास ऑफ क्या होता है, ये 1000 ml मिलीलीटर ऑफ क्या है, C6H6 यानी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी क्या होता है ये वॉल्यूम इंटू क्या हो गया, ये आपका ये डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये कितना हो गया 1000 × कितना हो गया ये 0.88 हो गया, तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 880 ग्राम के आ गया, राइट। तो हम कह सकते हैं कि 78 ग्राम जो है ये ऑफ बेंजीन क्या होगा, 78 ग्राम ऑफ बेंजीन कितने के हो जाएगा, ये इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं अभी, इसमें कितने हैं बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि 6.023 × 10³ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है बच्चों। अब पूछ रहा था, फिर कह रहा है कि जब इतने में 78 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम 880 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सीधे सीधे निकाल लेंगे, तो 880 ग्राम्स में बच्चों हम निकालेंगे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सीधे सीधे हमें क्या करना है, 6.023 लिया बेटा यहाँ पे बच्चों, 10³ किया इंटू 880 लिया, आपान हमने बच्चों ले लिया यहाँ पे 78, राइट। अब जब हमने इसमें सॉल्व किया तो बच्चों आ गया 6.795 × 10⁴, ये बच्चों आ गया ये मॉलिक्यूल्स, राइट। इस तरह से बेटा ये मॉलिक्यूल्स है। अब आते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर
हम सिक्स की बात करते हैं। सिक्स की बात ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम हीलियम। ऑफ 1 ग्राम क्या है बच्चों, ये हीलियम गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है बेटा, तो हम बच्चों यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 4 ग्राम हीलियम के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं। यानी क्या करा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स वॉल्यूम 1 ग्राम हीलियम में हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि 4 ग्राम जो है हीलियम, 4 ग्राम बच्चों क्या है ये हीलियम, ये बच्चों 4 ग्राम हीलियम राइट, हम लेते हैं यहाँ पे 4 ग्राम। अब बच्चों क्या है ये हीलियम, ये हीलियम है, हैज कितना हो गया आपका ये 6.023 × 10³³ के। तो 1 ग्राम हीलियम गैस कितने के होगा, 1 ग्राम हीलियम हैज कितने के हो जाएगा, हीलियम गैस कितने के हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बेटा 6.023 × 10³³ आपान हो जाएगा 4। तो ठीक है बच्चों, अब आया बच्चों यहाँ पे हम कहेंगे कि 4 ग्राम हीलियम हैज वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे कितना है, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि 4 ग्राम हम बेटा ये कह सकते हैं हीलियम, 4 ग्राम हीलियम हैज वॉल्यूम जो है बच्चों एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना है 22.4 लीटर के। तो 1 ग्राम हीलियम गैस एस एस टी पी पर कितना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 ग्राम हीलियम यानी हम कह सकते हैं हीलियम हैज गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना होगा, ये बच्चों हो जाएगा 22.4 / 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 5.6 बच्चों हो जाएगा ये लीटर, 5.6 लीटर बेटा ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, प्रॉब्लम नंबर हम 7 करते हैं। प्रॉब्लम 7 क्या कर रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट, क्या है बच्चों कैलकुलेट, ये कह रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑफ ऑक्सीजन गैस। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया आपका, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गया बच्चों, ये हो गया बेटा 8 के। अब बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2 में कितने हैं, हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O2 हो जाएंगे आपके 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 3.3 यानी ये कह रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑक्सीजन गैस, यानी हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकालने हैं 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में। तो बच्चों हमने एटॉमिक नंबर ले लिया 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 3.2 ग्राम
ऑफ जो होता है ऑक्सीजन हमने लिया यहाँ पे W बाई एम बच्चों, ये हो गया बेटा 3.2 ग्राम है गिवन मास, ऑक्सीजन का मोलर मास ले लिया तो वो हो जाएगा 32, ये ले लिया बेटा तो ये आ गया बच्चों 0.1 मोल। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 0.1 मोल यानी कि जी, अब ये हो जाएगा 0.1 इंटू, सीधे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 के पावर 23, कितने हो गए ये मॉलिक्यूल्स के हो गए। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों कि 6.022 10 के पावर 23 हम यहाँ पे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं 6.022 10 के पावर 23 इंटू 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे इसको सॉल्व करने पर 9.635 इंटू 10 के पावर 23, ये बच्चों आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये बच्चों ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आज बच्चों वीडियो को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बाय।